Hi everyone, I'm Monia Panchal, the technical head for Global ProBliss Lenoplastia. आप सभी का स्वागत है आज के हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग में. हम देखेंगे कि लेनोप्लास्टिया कैसे किया जाता है और आप सबके जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी इससे लेके डाउट्स होंगे, वो सब इस आज की टेक्निकल ट्रेनिंग में क्लियर किए जाएंगे. तो जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि हम लेनोप्लास्टिया की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये है हमारे मॉडल भूमिका पेठार और हम इनके बालों पे लेनोप्लास्टिया करेंगे. आप इनके बाल देख सकते हैं. इनके बालों में ड्राइनेस है, अनड्यूबिनेस है. इन बालों पे नैनोप्लास्टिया जब होगा उसके बाद आप देखोगे कि बहुत शाइन ऐड होगा इन बालों में. उसके अलावा स्ट्रेट और सिल्की हो जाएंगे बाल, बहुत मैनेजेबल और बहुत डिसिप्लिन में आ जाएंगे बाल. मतलब बालों को कुछ ना करके भी वो एकदम सेट है, आउट ऑफ द बेड लुक है. आप कुछ, आपको कोई इवेंट अटेंड करना है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा लुक नैनोप्लास्टिया देता है. हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले हम बालों में हेयर वॉश करेंगे. तो हेयर वॉश करने के लिए हम प्योरीफाइंग शैम्पू यूज करेंगे, जो कि हमारा क्लेरिफाइंग शैम्पू. इससे हम हेयर वॉश करेंगे. हेयर वॉश में हमें ध्यान रखना है कि क्यूटिकल बहुत अच्छे से ओपन होना चाहिए. तो वर्जिन हेयर है तो हम 3 times शैम्पू करेंगे. केमिकली ट्रीटेड हेयर है, कलर्ड हेयर है, तो हम 2 बार शैम्पू. जब हम शैम्पू करेंगे तो इन बालों में हमें ध्यान रखना है कि हम शैम्पू बहुत अच्छे से क्यूटिकल ओपन करने के लिए कर रहे हैं. तो हमें शैम्पू क्यूटिकल के ऊपर, बालों के ऊपर हमें 3-3 मिनट के लिए छोड़ देना है. हम अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे और उसके बाद 3-3 मिनट के बाद रिंस आउट करेंगे शैम्पू को, फिर शैम्पू लगाएंगे. ऐसे हम 3 बार करेंगे. अब हम शैम्पू स्लो हाथ से करेंगे. जैसे आप देख रहे हो फ्रॉथ आ रहा है, झाग आ रही है, तो ये क्लेरिफाई कर रहा है बाल. क्लेरिफाई कर रहा है तो क्यूटिकल ओपन होंगे. क्यूटिकल ओपन होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा ट्रीटमेंट काम ही नहीं कर पाएगा. कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाएगा अगर क्यूटिकल ओपन नहीं हुए. शैम्पू कर लिया है बालों में, आप देख रहे हैं बाल पूरे वेट हैं. अब हम हेयर को 100% ड्राई करेंगे. 100% हेयर को ड्राई करके हम नैनोप्लास्टिया अप्लाई करना शुरू करेंगे. बालों में शैम्पू करने के बाद ड्राई करते हैं, 100% कंप्लीट ड्राई करके प्रोडक्ट लगाते हैं. लेकिन हम ब्लो ड्राई सेट नहीं करते, मतलब हम बालों में कोई भी पेडल ब्रश या राउंड ब्रश यूज नहीं करेंगे और हम सिर्फ ब्लास्ट ड्राई से ही कंप्लीट 100% सुखाएंगे. उसका रीजन ये है कि जैसे ही हम पेडल ब्रश या राउंड ब्रश यूज करते हैं क्यूटिकल क्लोज हो जाते हैं.
क्यूटिकल अगर क्लोज हो गया तो प्रोडक्ट पेनिट्रेट ही नहीं करेगा। तो अगर हमें नैनोप्लास्टिया या कोई भी ट्रीटमेंट अच्छा काम करे ऐसा करना है तो कभी भी ट्रीटमेंट से पहले सिर्फ ब्लास्ट ड्राई करो और 100% ड्राई करो। बालों में शैम्पू किया, अब हमने बालों को 100% ड्राई किया है। हम ड्राई करते टाइम कोई भी वेट ब्रश या राउंड ब्रश का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ 100% बालों को सुखाएंगे यानी कि ब्लास्ट ड्राई करेंगे। उसका रीजन है कि जैसे ही हम वेट ब्रश या राउंड ब्रश यूज करते हैं क्यूटिकल क्लोज हो जाता है, और क्यूटिकल अगर क्लोज हो गया तो हमारा प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट ही नहीं आएगा। फिर आप कितना भी अच्छा मेहनत कर लो लेकिन रिजल्ट आएगा ही नहीं। इसलिए अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो हमेशा ब्लास्ट ड्राई करो और 100% सिर्फ ब्लास्ट ड्राई करो, क्यूटिकल वो ओपन ही रहते हैं। इस सारे प्रोडक्ट हम नैनोप्लास्टिया और उसके साथ में एक्टिवेटर यूज करते हैं। अब आपको देखना है कि नैनोप्लास्टिया कितना यूज किया जाता है और एक्टिवेटर कितना यूज किया जाता है। हम दोनों को बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं और सारे बालों में इमल्सिफाई करके फाइन सेक्शन लेके अप्लाई करते हैं। हम नैनोप्लास्टिया 60% लेते हैं और एक्टिवेटर 40%। अब मैं 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगी, तो 50 ग्राम्स में ये जाएगा 30 ग्राम और ये जाएगा 20 ग्राम्स। आप वेइंग स्केल देख सकते हो, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। आपका आपकी मिक्सिंग रेशियो कभी भी गलत नहीं हो सकती अगर आप वेइंग स्केल यूज करते हो। अब मैंने इसको ऑन किया है, ऑन करके मैंने मेरा जार रख दिया। जार रखने के बाद इसका वजन ले लिया है जो कि 59 ग्राम्स है। अब मैं इसके बाद ये वाला टैर का बटन दबाऊंगी तो इसका वेट उसने लेकर जीरो कर दिया। अब जीरो पे आ गया है, अब मैं नैनोप्लास्टिया डाल रही हूँ। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ नहीं निकालना है, अगर उससे कम निकालना है तो आप उस हिसाब से अपना रेशियो को एडजस्ट करें। जैसे आपने 25 ग्राम्स का प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें आपका ये 10 ग्राम्स होगा और ये 15 ग्राम्स, वैसे आप अपना प्रोडक्ट को एडजस्ट करें। अब हम इस मिश्रण को मिक्सचर को मिक्स करेंगे। इसमें बहुत शाइन है, इसमें नैनो एक्टिव्स हैं जो कि बालों को
बालों के अंदर जाके पेनिट्रेट होती जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं वो शाइन यहीं से ऐड करना शुरू करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा लस्टर, बहुत ज्यादा शाइन है, बहुत स्मूथ कर देता है ये बालों को, वैसे ही स्मूथली अप्लाई भी। हमारे लास्ट सेक्शन का एप्लीकेशन चल रहा है अभी। आप देख सकते हैं कितना ग्लॉसीनेस है इस प्रोडक्ट में, कितना शाइन आ रहा है, क्योंकि ये एक नैनो प्लास्टिया जो है वो नैनो एक्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइन और ग्लॉस ऐड करते हैं बालों में। अब जैसे ही एप्लीकेशन हो जाएगा तो हम सारे बालों में सेलोफिन लगा के रैप करके रख देंगे। वर्जिन हेयर और स्ट्रॉन्ग हेयर कर्ल्स में हम लोग 1 आवर पूरा रखते हैं, और बहुत सेंसिटिव हेयर हुए तो ही हम 45 मिनट्स के लिए रैप रखते हैं। 1 आवर पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि होगा हेयर वॉश। अभी इसके बाद हम सेलोफिन रैप करेंगे। सेलोफिन निकाल के हम पहले बालों को ड्राई करेंगे, और हम हीट देंगे और फ्लो ड्राई यूज करेंगे बालों पे। आप देखिए हम कैसे करते हैं। उसके बाद हम वॉश भी लेंगे। हमने बालों में हीट दे दी है,
और हीट देने के एक 2 से 5 मिनट के अंदर हम बालों को वॉश के लिए लेके जाएंगे। बालों को हम 100% कंप्लीट रिंस आउट करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, बिल्कुल भी प्रोडक्ट को बालों में छोड़ने की जरूरत नहीं है। सो हम सिर्फ रिंस आउट करेंगे कंप्लीट। पानी से सिर्फ धो रहे हैं, हमें इसमें कोई शैम्पू या कोई कंडीशनिंग नहीं करना है, सिर्फ 100% रिंस ऑफ करना है। इस प्रोडक्ट का यही यूएसपी है कि हम 100% पूरा का पूरा नैनोप्लास्ट के ग्रीन निकाल देते हैं, जिससे हमारा आयनिंग बहुत इजी हो जाता है, ट्रीटमेंट बहुत इजी। अब हम वॉश हो जाने के बाद पहले फुल हेयर ड्राई करेंगे। ड्राई में हम पेडल ब्रश या राउंड ब्रश 80% ड्राई करने के बाद यूज कर सकते हैं। पहले हम 80% ड्राई ऐसे ही नॉर्मल ड्राई कर सकते हैं, उसके बाद पेडल ब्रश या राउंड ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। कंप्लीट ड्राई हो जाने के बाद हम आइनिंग स्टार्ट करेंगे। का टेम्परेचर आप 100 के अबव रखना है, 220 से नीचे मत रखिए। ओनली ऑन सम ओकेजंस बहुत सेंसिटिव है, कोशिश करें 200 से अबव। बहुत फाइन सेक्शन पे करनी है, पेपर फाइन पेपर थिन सेक्शन होना बहुत जरूरी है, और आयन का ग्लाइड हमें हर सेक्शन में 10 से 12 से 15 से यूज करना कंपल्सरी है, और अच्छे से आइनिंग होनी चाहिए एंड फाइन सेक्शन होने चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयन आपकी सिरेमिक होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी आयन होगी तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। देख सकते हैं कि ये कितना पतला सेक्शन है, एकदम पेपर थिन सेक्शन है, इसी सेक्शन के हिसाब से ही आपको आयन करना है। और जितना अच्छा टेम्परेचर होगा, 230 पे हमने रखा हुआ है, 230 डिग्री पे ही आपको आयन करनी है, उससे रिजल्ट और शाइन बहुत अच्छी आएगी। हमें बहुत ही फाइन सेक्शन पे आयनिंग करनी है, सेक्शन का पेपर फाइन होना बहुत जरूरी है। हमें हर सेक्शन पे 10 से 12 से 15 स्ट्रोक को फाइनिंग करना कंपलसरी है, उसी से शाइन और ग्लो सेट होगा। और उसके अलावा आपकी आयन का सिरेमिक होना बहुत जरूरी है, उसके अलावा कोई भी आप आयन यूज करोगे तो
उतना अच्छा टेम्परेचर का रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे हमने अभी 30 डिग्री पे टेम्परेचर रखा है, आपको भी 30 डिग्री पे ही टेम्परेचर रखना है। किसी भी हालत में 200 अबव ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना लॉस ऑफ टाइम ऐड हुआ है आईने से, बाल जीवन सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं। आपको इसी लेवल की आइनिंग करनी है, इस लेवल की आइनिंग होगी तभी भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मास्क से कंडीशनिंग करेंगे, ये मैजिक मास्क है, ये आफ्टर केयर पेज है, इसमें नाइटली यूज कर सकते हैं और आप
5 से 10 मिनट्स जितना टाइम आपके पास है जैसे है वैसे आप छोड़ सकते हैं। अभी हम मास्क को वॉश कर लेंगे, कंप्लीटली अच्छे से वॉश कर लेंगे। ट्रीटमेंट के बाद सल्फेट फ्री शैम्पू और मास्क का ही यूज करना है, उससे मॉइस्चर बाल में बना रहेगा और सल्फेट फ्री शैम्पू इसको वॉश ऑफ भी नहीं करेगा। एक्सेलेंट शाइनेस ट्रीटमेंट ने ऐड किया है, आप देख सकते हैं क्या ग्लॉस आ रहा है, क्या शाइन मिरर इमेज शाइन है, मिरर रिफ्लेक्शन शाइन है जिसे हम बोलते हैं। और ये बिना किसी ग्लो ड्राई के है, अभी तक हमने सिर्फ ब्लास्ट ड्राई नॉर्मल ड्राई से बाल सिर्फ सुखाए हैं, कोई पेडल ब्रश या राउंड ब्रश यूज नहीं किया है, बट यू कैन सी द ग्लॉस, एक एक बाल जो है इट्स एक्चुअली शिमरिंग। इतना शाइन आपको कोई और प्रोडक्ट में नहीं आता है, यानी एक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट जिसमें कोई हैजल नहीं है, ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है शाइन ऐड कर रही है, इसमें तो शाइन है और एक कुछ ट्रीट कर दिया है, जैसा आइनिंग में रिजल्ट था वैसा ही वॉश के बाद रिजल्ट है, ना किसी बोल रहा है कि ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। कैसा लगा हमारे नैनो प्लास्टर का रिजल्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑसम ट्रीटमेंट है ये, आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा मेकओवर हो चुका है और एक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट से ये रिजल्ट मिल सकता है तो और क्या चाहिए। और मैं सामने कोई बोल रहा है नहीं कि मैं ये एकदम नॉर्मल ब्लास्ट ड्राई का रिजल्ट है, हाउ यू लाइक इट? ऑसम, आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, आई कांट टेक माय आईज अवे, इतना ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट का रिजल्ट आया है इसका। आप भी कीजिए और ऐसा ही रिजल्ट पाओ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट है जो हमने आप पे किया है, दिस इज ग्लोबल प्रोग्रेस नैनोप्लास्टिया, दिस इज अ शो स्टीलर, इसी ने ही आज का पूरा रिजल्ट लाया है, एंड आई मस्ट से दिस इज एन ऑसम प्रोडक्ट, यू शुड ट्राई दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।